नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज राठौड़ MMR टेक्नोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके लिए कौन सा कीबोर्ड माउस सबसे बेस्ट है। बेहतरीन कीबोर्ड माउस में से जो एक कीबोर्ड माउस है वायरलेस, वो मैंने आपके लिए खास चुन के अनबॉक्सिंग के लिए लाया हूँ। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ये लॉजिटेक का MK275 फुल साइज कीबोर्ड है, कम्पैक्ट फॉर्म में नहीं है। जो की के बीच के डिस्टेंस वो आपको अच्छे मिल जाते हैं, इसकी वजह से आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो बढ़ जाती है। लॉजिटेक कीबोर्ड माउस वेब कैमरा में लीडर कंपनी है। इनके प्रोडक्ट्स इन तीनों कैटेगरी में, कीबोर्ड रहो, माउस रहो, चाहे फिर वो वेबकैम रहो, बेहतरीन प्रोडक्ट्स। ना सिर्फ यही मॉडल बल्कि इनके कई सारे ऐसे प्रोडक्ट वेराइटीज़ हैं जिसमें आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। यह कीबोर्ड मैं खुद गए 6 से 8 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और कहीं ना कहीं मुझे लगा ये कीबोर्ड अपने दर्शकों के तक इसकी क्वालिटी, जो इसके फीचर्स है, वो पहुंचने चाहिए। इसलिए मैं आपके लिए भी ये कीबोर्ड माउस का अनबॉक्सिंग लेके आया हूँ। आप देखिए, मुझे ये रत्ती भर का भी संकोच नहीं है आपको ये कीबोर्ड माउस लेना चाहिए ये कहने में। ये कीबोर्ड माउस का इंडियन वेरिएंट है और यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है उसकी पूरी डिटेल्स है। मंथ ऑफ ईयर इंपोर्ट नवंबर 2020। पैकेज के अंदर आपको कीबोर्ड, माउस, एक नैनो रिसीवर, 2 AAA कीबोर्ड के लिए जो बैटरी है और 1AA माउस के लिए बैटरी मिल जाती है। यूज़र के डॉक्यूमेंटेशन मैनुअल्स आपको इस बॉक्स के अंदर मिल जाते हैं। शुरू करते हैं। रिसीवर यहाँ पे लगा हुआ है, ये इस तरीके का छोटा सा USB रिसीवर आपको मिल जाता है। ये मैं इसको बगल में रख देता हूँ। उसके बाद आपको ये सुंदर सा छोटा सा माउस आपको मिल जाता है। ये खोलना है आपको, बैटरी भी अंदर दी गई है और ये ऐसे खींच के आपको निकलवाना है। ये जो लेबल लगा है ये आपके बैटरी ड्रेन आउट नहीं होना चाहिए इसलिए लगाया जाता है। सो मैं इसको निकाल देता हूँ, ये लेबल बाहर रख देता हूँ। बैटरी बैठ चुकी है और फिर से आपको ये पैकिंग लगा देना है। ये आपका माउस अभी स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन दिया गया है। सो आप अगर लंबे समय तक माउस यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप बंद करके रख सकते हैं, इससे आपकी बैटरी ज़्यादा दिन चलेगी। और दूसरी चीज़ है, इसमें रिसीवर रखने का भी जगह दिया गया है। ये जो छोटा रिसीवर है, ये रिसीवर आप यहाँ पे रख सकते हैं। ये काफ़ी यूज़फुल है क्योंकि आपका रिसीवर कहीं गुम होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सो रिसीवर आप इसमें आसानी से रख सकते हैं और जो कैप है वो आप फिर से लगा सकते हैं। तो ये माउस है, कलर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसका ये ऊपर का जो प्लास्टिक है इसको भी निकाल देता हूँ।
क्या माउस है, बहुत ही शानदार आकर्षक डिज़ाइन है माउस की और साइज एकदम कम्पैक्ट है, दिखने में शानदार। और मैं बहुत ही दोस्तों उत्सुक हो रहा हूँ कि ये कब हाथ में लूँ और कब इस पर अपनी उंगलियाँ चलाऊँ। सो ये था माउस, इसको बगल में रखते हैं। बॉक्स में आपको नेक्स्ट मिलता है कीबोर्ड, मैनुअल दिया गया है जिसको मैं बगल में रखता हूँ, और एक कीबोर्ड है। जैसे मैंने आपको इस वीडियो में पहले भी बताया है कि फुल साइज कीबोर्ड है, सो जो स्पेसिंग है एक की और दूसरे की के बीच में वो अच्छी खासी है, इसलिए आपको ज़्यादा जगह मिल जाती है अपने उंगलियां रखने के लिए। और ये बहुत ही क्लिकी कीबोर्ड है, इसके कीज़ काफ़ी स्मूथ है प्रेस करने के लिए, इसकी वजह से काम करते समय आपको थकावट महसूस नहीं होती है और आपको एक तरीके से मज़ा आता है। सो जो पूरा कीबोर्ड का लेआउट है उसमें आपको स्टैंडर्ड कीज़ मिल जाती है, इसके अलावा ऊपर मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के लिए कुछ कीज़ दिए गए एडिशनल, जैसे कि यहाँ पे साउंड ऑन ऑफ कर सकते हैं आप, साउंड बढ़ा सकते हैं, होम पे आ सकते हैं, और यहाँ पे ऑन ऑफ करने का भी शॉर्टकट कीज़ दिया गया है जिसको प्रेस करके आप अपना कंप्यूटर शट डाउन कर सकते हैं। माउस के जैसे ही यहाँ पे भी आपको ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है। अगर आप लंबे समय तक कीबोर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप इसको ऑफ करके रखें, इससे आपकी बैटरी बचेगी। यहाँ पे बैटरी रिप्लेसमेंट का कंपार्टमेंट है, इसको पुल कर लें ताकि आपकी बैटरीज एक्टिवेट हो जाए, ये लेबल निकाल के फेंक दें। दोनों स्टैंड दिए गए हैं, आपके कीबोर्ड आराम से सरफेस पे बैठना चाहिए, इसलिए बिल्ड क्वालिटी मुझे इसका बेहतरीन कीबोर्ड में से एक लगा है। अगर दाम के हिसाब से आप देखेंगे तो इसका कीबोर्ड क्वालिटी मेरे हिसाब से इस श्रेणी में गजब है, बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। चाहिए स्क्रूज या फिर जो ओवरऑल डिज़ाइन है कीबोर्ड का वो भी मुझे पसंद आया। यहाँ पे रबर बटन दिए गए हैं, अगर आप स्टैंड को ऑफ भी करते हैं तो आपका कीबोर्ड माउस इधर उधर हिलेगा नहीं सरफेस पे, इसलिए ये रबर के जो बटन दिए गए हैं यहाँ पे ये ग्रिप कर लेता है सरफेस को और आपका कीबोर्ड स्लिपरी नहीं रहता। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा ये फीचर है आपके कीबोर्ड के लिए। जहाँ तक बैटरीज का सवाल है दोस्तों, दोनों इसमें कीबोर्ड माउस में एक साल तक मीडियम यूजर्स पे चल जाती है। ऐसा नहीं कि ये वायरलेस कीबोर्ड माउस है बैटरी पे चलने वाला है तो आपको हर महीने इसकी बैटरी चेंज करनी पड़ेगी, ये बात नहीं है। आपके एक बार आपने बैटरीज लगा दिए एक साल देखने की इसको ज़रूरत नहीं है। और दूसरी ये खासियत है कि आपको वायर्ड से छुटकारा मिल जाता है, और क्योंकि ये वायरलेस है तो आप इसको आसानी से अपने लैपटॉप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर पीसी पे भी कनेक्ट कर सकते हैं,
या फिर कोई और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे टीवी है, एंड्रॉइड टीवी है, उस पर भी ये काम करता है। सीसीटीवी है, वहाँ पे भी आप इस कीबोर्ड माउस को आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। आपको ये कीबोर्ड माउस का रिसीवर उस पर्टिकुलर डिवाइसेस के यूएसबी पोर्ट को कनेक्ट करना है और आपका काम हो गया। आप आराम से कीबोर्ड माउस कोई भी डिवाइसेस पे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रोडक्ट की डायरेक्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ जाके आप इस प्रोडक्ट को ख़रीद सकते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, ये सबसे बेहतरीन कीबोर्ड माउस में से एक है। क्वालिटी शानदार है, ज़बरदस्त क्वालिटी है, कोई शिकायत का मौका आपको नहीं मिलेगा। एक बार आप ये कीबोर्ड माउस यूज़ करने स्टार्ट कर दिया, आपको खुद ही खुद मज़ा आने लगेगा इस पे काम करने का। इसमें जो खास मेन फीचर्स है वो ऑन ऑफ का बटन है, बैटरी जो लंबी चलती है एक साल तक, स्पेशियस कीज़ है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ओवरऑल ये एक गुड पैकेज है, बेहतरीन कीबोर्ड माउस है। आप ज़रूर इसे खरीदिए नीचे दिए गए लिंक से। आशा करता हूँ दोस्तों, आज का ये क्विक अनबॉक्सिंग वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही खास इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस आप मिस ना कर सकें। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद दोस्तों।